हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नया चैलेंज। और जैसे 24 आवर्स चैलेंज मैंने पहले किया था तो आप लोगों को पसंद आया, तो उसी लिए मैं लेके आई हूँ एक और 24 आवर्स चैलेंज। और आज मैं करने जा रही हूँ हम सबका फेवरेट गोलगप्पा चैलेंज। तो आज मैं पूरे दिन में गोलगप्पे खाने वाली हूँ 24 आवर्स के लिए, और मैं 4 तरीके के अलग अलग गोलगप्पे बनाऊंगी और उसके बाद हम उसे खाएंगे। पूरे दिन गोलगप्पा खाने वाली हूँ और आप समझ ही सकते हैं पूरे दिन गोलगप्पा खाना और उसमें रहना कितना टफ है, क्योंकि गोलगप्पे बहुत हल्के होते हैं और बहुत जल्दी पेट भी भर जाता है और बहुत जल्दी मतलब पच भी जाते हैं वो। तो फिलहाल मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और अब मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है, तो आपके साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट शेयर करने जा रही हूँ। और मैं गोलगप्पा सुबह सुबह खाने वाली हूँ, मतलब उठते गोलगप्पा, मतलब सुबह नाश्ते में गोलगप्पा कोई भी नहीं खाता होगा, बट हाँ मैं खाने वाली हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कौन सा गोलगप्पा पहले खाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गोलगप्पे आ चुके हैं और उसके साथ लाल खट्टा और मीठा और खट्टा पानी है, मतलब मिर्च वाला। और ये सुबह मैंने फिलहाल 5 गोलगप्पे लिए हैं क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा खा नहीं पाऊंगी मैं, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं खाने के लिए कि गोलगप्पे तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। वैसे मुझे लाल मतलब मीठा पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करना कि आप जब गोलगप्पे खाते हैं तो आपको कौन सा पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी तो फेवरेट है लाल पानी, सो यम्मी ना। सच में फ्रेंड्स बहुत मजा आया सुबह का ब्रेकफास्ट में, वेरी टेस्टी। खट्टा पानी बच गया है मेरा, तो मुझे बहुत मजा आया फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको भी आज के चैलेंज देखने में काफी मजा आएगा। तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आपसे मैं मिलूंगी लंच टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर हो गई है और दोपहर में ज्यादा टाइम हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइम हुआ है। बज रहे 2:45 और अब मुझे जोरों से भूख लग गई कि सुबह ही खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए फटाफट से मैं गोलगप्पे की एक और रेसिपी बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि लंच के लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है। फ्रेंड्स हमारी ये दही पूरी टेस्टी सी बिल्कुल बनके तैयार है और देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, आई होप खाने में भी उतनी होंगी। तो मैं खा के देखती हूँ इन्हें, आप भी खाइए, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स फिनिश हो गया लंच और सच बताऊं बहुत मजा आया, खट्टे मीठे दही पूरी खा के बहुत ज्यादा मजा आया और मेरा पेट फूल हो गया एकदम से।
और स्पाइसी भी था, थोड़ी सी मिर्ची भी लग रही है, बट आई होप कि और होता। फिलहाल मेरी प्लेट बिल्कुल खाली हो चुकी है और फिलहाल के लिए तो मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। और अभी मैं आपसे मिलूंगी शाम के समय और देखूंगी कि मैं शाम में क्या बनाने वाली हूँ गोलगप्पे के साथ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और मुझे ज़्यादा तो भूख नहीं लगी है लेकिन कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है और मेरे पास इंतज़ाम है खाने का इवनिंग के लिए। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाया मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहे मेरे चॉकलेट गोलगप्पा और मेरे पास है ये डेरी मिल्क, तो मैं ये इसमें डाल दूंगी। ये रहे हमारे टेस्टी से चॉकलेट गोलगप्पे और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाइट ये मैंने बताशे को ऊपर से थोड़ा तोड़ के स्प्रिंकल कर दिया और ये हमारी कॉफ़ी है, तो इसके साथ मैंने सोचा कि कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे खाने जा रही हूँ और देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी चॉकलेट गोलगप्पा खाया, बहुत मीठा हो जाएगा ये आज एक्चुअली। खाने में तो टेस्टी लग रहा है बट गोलगप्पा सूखा है ना, इस वजह से वो मेरे पूरे मुंह में ना चुभ रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको बाद में पीने की जगह इसे गोलगप्पे में फिल करके खाऊं, तो ये गोलगप्पे के पानी की तरह काम करेगा। ट्राई करके देखते हैं। वैसे टेस्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ऐसे ही खाऊंगी क्योंकि अजीब सा टेस्ट दे रहा है इसमें डालने के बाद। सो फ्रेंड्स, मेरा इवनिंग का स्नैक भी खत्म हो चुका है और बहुत टेस्टी था, बट ऐसा हुआ है कि जो मेरे गाल है ना अंदर से पूरे जख्मी हो गए हैं और इतना बड़ा गोलगप्पा था ना, तो वो इतना ज़्यादा करा रहा था कि मेरे पूरे अंदर के जो है सब जख्म हो चुका है, थोड़ा सा चीज लग रही है, बट अच्छा था ओवरऑल। ठंडा ठंडा था कॉफ़ी और मेरे पेट भर गया और साथ ही में चॉकलेटी गोलगप्पा बहुत ही अच्छे लगे मुझे खा के। फाइनली अब मेरा रात का डिनर रह गया है और रात के लिए भी मैंने कुछ सोचा है, वो आप लोगों को मैं रात को दिखाऊंगी। तो चलिए, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने बनाई है मैगी और अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी गोलगप्पे। तो कई सारे लोगों ने पहले भी मैगी गोलगप्पे खाए होंगे। तो देखिए, मेरे मैगी गोलगप्पे बिल्कुल बनके तैयार हैं। फ्रेंड्स, अब हो गई है रात और डिनर का टाइम हो गया है और शाम गोलगप्पे जो मैंने खाए थे वो उनसे मेरा काफ़ी अच्छा सा पेट भर गया था, लेकिन उसके बाद मुझे लग गई है भूख, तो मैंने ही सोचा कि क्यों ना मैं मैगी के गोलगप्पे ट्राई करती हूँ। वैसे सुनने में काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा ना कि मैगी के गोलगप्पे, लेकिन मैंने ये सर्च किया था तो मैगी के गोलगप्पे भी लोगों ने बना के ट्राई किए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बना के ट्राई करती हूँ खा के कि ये कैसे लगेंगे। और इसके साथ मैंने मीठा पानी लिया है और बाकी मैंने मैगी को सिंपल तरीके से बनाया, बस उसमें थोड़ी सी नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब डाल दिया है बस। तो मैं खाने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगते हैं, मुझे भी अजीब लग रहा है वैसे।
इतना अजीब तो नहीं है, सो सो है, मतलब खा सकते हैं गोलगप्पे में, तो कुछ भी करके खा सकते हैं। पहले दूसरे गोलगप्पे तक तो ठीक था, बाकी के तीन गोलगप्पे मैंने ज़बरदस्ती खाया, मैं ये गोलगप्पे इतने खास नहीं लगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, और पूरे दिन गोलगप्पे खाना अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा, लेकिन लास्ट वाला गोलगप्पे में मैगी वाले में थोड़ा सा मज़ा मुझे नहीं आया इतना, बट ओवरऑल गोलगप्पे का पानीपुरी का नाम सुनते ही काफ़ी मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि गोलगप्पे हैं ऐसी चीज़ कि कितना भी खा लो मन नहीं भरता है। तो ये था मेरा आज का चैलेंज, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।